वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान जानना चाहेंगे आपसे कि जायफल कैसे खाना फायदेमंद है और कैसे नुकसानदायक। देखिए जायफल जो है आमतौर पर गरम मसाले में प्रयोग होता है, आपने शायद देखा होगा गोल सा होता है। एक तो पाचन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मसालों में प्रयोग होता है और दर्द नाशक भी है, सूजन को भी कम करता है। कई बार गर्म दूध में डाल करके थोड़ा सा चुटकी भर देते हैं, दालचीनी वगैरह डालते हैं तो बलवर्धक है और नींद बहुत अच्छी आती है इसको अगर आप दूध में डाल करके पियेंगे। त्वचा के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, खास तौर से अगर सांस की प्रॉब्लम हो, सांस में बदबू हो तो उसके लिए अच्छा है। बच्चों में कई बार लूज मोशन हो जाते हैं तो उसको थोड़ा घिस करके बच्चों को चटाया जाता है, तो इसलिए बहुत लाभकारी है। लेकिन नुकसान की बात आपने पूछी है, अधिक मात्रा में यदि आप सेवन करते हैं तो उसके सेवन करने से कई लोगों को थोड़ा डिजीनेस हो जाता है, चक्कर जिसको कहते हैं ना, चक्कर आ सकते हैं या कभी कभार थोड़ा जो है जी मिचलाना, वॉमिटिंग सेंसेशन, और ज्यादा काफी ज्यादा हो जाता हो तो थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। शरीर में गर्मी तो पैदा डेफिनेटली करता ही है, अगर ज्यादा कुछ आप अधिक मात्रा में खाएंगे तो हीट ज्यादा बढ़ेगी, गला सूखेगा या फिर अधिक पसीना आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से लेना है और उचित मात्रा में उसका सेवन कर। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी बेहद अहम जानकारी आज आपने हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर जो है 01294040404। ये नंबर आप फौरन घुमाएं और अपनी कॉल को रजिस्टर करवा लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jeeva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jeevaayurveda। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।